नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेंट स्वेटर के बैक पार्ट की शोल्डर कटिंग करेंगे और नेक कटिंग करेंगे। कभी कभी गले की पट्टी जो है, गले का बॉर्डर हमारे गले पे चढ़ जाता है, जो बहुत ही इरिटेट करता है। तो इसके लिए हमने गले पर यहाँ कटिंग की है। तो ये हम देखेंगे कि हमने कैसे किया है और शोल्डर के फंदे कैसे घटाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्वेटर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट के बारे में कुछ बता दूं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो बॉर्डर पे मैंने 100 फंदे लिए हैं। तो बॉर्डर पे मैंने 100 फंदे डाले और 2.5 इंच का बॉर्डर बनाया। 2.5 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने साढ़े 20 इंच बॉर्डर को लेकर, बॉर्डर के साथ 20.5 इंच की शोल्डर के नीचे की इसकी लंबाई 20.5 इंच है। और 20.5 इंच कंप्लीट करने के बाद मैं इसमें शोल्डर की घटाई करूंगी। तो शोल्डर की घटाई करने के लिए सबसे पहले मैं 5 फंदे घटा देती हूँ। पहले फंदा ऐसे बुना, फिर नेक्स्ट फंदा बुना, अब पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा दिया। एक हुआ, फिर ये 2, 3, 4 और 5। तो 5 फंदे मैंने घटा दिए। अब शेष फंदों को मैं सीधा बुनते हुए दूसरे साइड में आ जाऊंगी। तो सभी फंदे सीधे बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और इस साइड भी हम 5 फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप किया, अगले फंदे को उल्टा बुना और पीछे वाले फंदे को उठाया और आगे वाले पे चढ़ा दिया। एक फंदा घट गया, 2, 3, 4, 5। तो मैंने दूसरे साइड भी 5 फंदे घटा दिए। अब शेष फंदों को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो पिछली लाइन में हमने 5 फंदे घटाए थे, इस लाइन में हम 3 फंदे घटाएंगे। 1, 2 और 3। 3 फंदे घटाने के बाद शेष फंदों को सीधा बुनेंगे और बुनते हुए दूसरी साइड आ जाएंगे। सभी फंदे सीधे बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ गए हैं और अब इस साइड भी हम 3 फंदे घटाए थे। देखिए, पहली बार में हमने 5 फंदे घटाए, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 1, 2, 3 और शेष फंदों को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर दिया। अब हम फिर सामने की तरफ से हैं। तो पहली बार हमने 5 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए और अब इस लाइन में हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे को बुना, पिछला वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा दिया। 1 फंदे को और बुना, पिछला वाला आगे वाले पे चढ़ा दिया। देखिए, 2 फंदे घट गए। शेष फंदों को हम सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। तो सीधा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, हम रॉन्ग साइड में हैं। पिछली लाइन में हमने 5 फंदे घटाए थे, फिर 3 फंदे घटाए थे, अब कि हम 2 फंदे घटाएंगे। 1 घटा दिया और ये दूसरा फंदा घटा दिया। तो हमने इस लाइन में 2 फंदे घटाए। शेष फंदों को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम सामने की तरफ हैं। तो देखिए, पहले लाइन में हमने 5 फंदे घटाए थे, फिर 3, फिर 2 और अब की हम 1 फंदे घटाएंगे। तो हमने 1 फंदा
कटा दिया। शेष फंदों को हम सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम रॉन्ग साइड में हैं और इस साइड में भी हमें एक फंदा घटाना होगा। पहले हमने 5 फंदा घटाया, फिर 3, फिर 2 और इस लाइन में हम एक फंदा घटाएंगे और शेष फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। तो अब हमने दोनों साइड में 11-11 फंदे घटा दिए, यानी हमने टोटल 22 फंदे घटा दिए हैं। तो अब हमें कोई भी फंदे घटाने नहीं हैं, बस हमें प्लेन बुनना है, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो प्लेन बुनते हुए हमें अपनी लंबाई पूरी करनी है, तो मैं लंबाई पूरी करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सीधा सीधा बुनते हुए मैंने जहाँ से हमने घटाई ख़त्म की है वहाँ से अगर नापे तो 7 इंच हमने बुन लिया है, और यहाँ से घटाई जहाँ से शुरू की है वहाँ से ये 8 इंच है, तो हमने इतना लंबा कर लिया है। अब हमारे सिलाई पे 90 फंदे हैं। बॉर्डर पे हमने 100 फंदे रखे थे, 12 फंदे बढ़ाए थे, 112 हुआ, और 5-3-2-1 की घटाई की, यानी 11 फंदे एक साइड में घटे और 11 फंदे दूसरी साइड में घटे, तो टोटल 22 फंदे घट गए, तो बचे 90 फंदे। तो इस समय सिलाई पे 90 फंदे हैं। और अब हम यहाँ पे ऊपर कटिंग करेंगे ताकि ये हमारे गले पे चुभे ना। तो हम शोल्डर पे 28 फंदे रखेंगे। गिने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 और 28 फंदे। तो हम कॉपी पे बताते हैं। तो हमने बॉर्डर पे 100 फंदे रखे थे और यहाँ पे हमने 12 फंदे बढ़ाए, तो हो गए 112। उसके बाद हमने साढ़े 20 इंच जो है इसको लंबा किया, बॉर्डर से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक 20.5 इंच की लंबाई रखी। और उसके बाद हमने शोल्डर घटाया, तो इसे हमने घटाया 5-3-2-1 हमने एक साइड में घटाया और दूसरी साइड भी हमने 5-3-2-1 घटाया, यानी 11-11 फंदे दोनों साइड में घट गए, तो बचे 90 फंदे। अब यहाँ पे हमारे 90 फंदे बचे हुए हैं। शोल्डर पे हम 28 फंदे रखेंगे, 28 फंदे इस साइड में और 28 फंदे इस साइड में। तो 90 फंदे में से 28 इस साइड में, 28 इस साइड में रखने पर बचेंगे 54 फंदे, यानी यहाँ पे हमारे पास 54 फंदे हैं। तो हम जैसे इस साइड में हमने फंदे घटाए हैं उसी तरह हम फंदे घटाएंगे 5-3-2-1 करके इस साइड भी और इस साइड भी 5-3-2-1 करके, यानी इधर भी हमें 11 फंदे चाहिए और इस साइड भी हमें 11 फंदे चाहिए, तो बीच में बचेंगे 12 फंदे। यानी 11 फंदे इस साइड में और 11 फंदे इस साइड में, तो 28 फंदे यहाँ पे हमने शोल्डर में रखे हुए हैं और हमें 11 फंदे और जोड़ लेने हैं, यानी हो गया 39। तो हम यहाँ पे 39 फंदे रख लेंगे। तो 28 फंदे हमने रखे हैं और 11 फंदे हम और बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात आठ नौ 10 और 11। तो अब हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 38 और 39 फंदे। तो हमने शोल्डर पे 39 फंदे रख लिए। अब बीच के 12 फंदे हम घटा लेंगे। एक फंदा हम बुनेंगे और एक और फंदा बुनेंगे और पिछले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। तो इस तरह करते हुए हम 12 फंदे घटा लेंगे। तो अब हम गिन लेते हैं कि इस साइड में कितने फंदे बचे हैं। तो गिने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 1 ये फंदा 39। अब इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम फिर सामने की तरफ हैं। यहाँ पे हमने घटाई की थी और हम सामने की तरफ हैं। तो जैसे हमने शोल्डर पे फंदे घटाए थे, उसी तरह हमें इस यहाँ भी फंदे घटाने होंगे, यानी 5 फंदे हम घटाएंगे। एक घटा लिया, 2, 3, 4 और 5, 5 फंदे घटा लिए। शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो दो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने उल्टी साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम फिर सामने की तरफ हैं। तो हमने 5 फंदे घटाए थे, इस लाइन में हम 3 फंदे घटाएंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे। ये 1 हुआ, 2 और 3। अब शेष फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा। तो हमने उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम फिर सामने की तरफ हैं। तो देखिए, हमने 5 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए। अब हम 2 फंदे घटाएंगे, 1 और 2। फिर शेष फंदों को हम सीधा बुनेंगे और फिर रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और इस लाइन में हमें 1 फंदा घटाना है। ये 1 फंदा हमने घटा लिया। शेष फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इस साइड की घटाई ख़त्म हो गई और ये इस तरह शेप आया है। अब हम थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ देंगे और इसे काट देंगे। अब हमें इस साइड भी ऐसे ही घटाना होगा। तो अब यहाँ पे हम धागा अटैच करेंगे।
और यहाँ गांठ लगा लेंगे, थोड़ा लंबा ऐसे छोड़ेंगे ताकि ये छूटे नहीं और इसे हम अंदर कर लेंगे। तो अब हमें इस लाइन में 5 फंदे घटाने हैं, जैसे हमने इधर घटाया है वैसे ही इधर हमें 5 फंदे घटाने हैं। पहला बुना, फिर दूसरा फंदा बुना, पीछे वाले फंदे को उठाया, आगे वाले पे चढ़ा दिया, नेक्स्ट फंदा बुना और पीछे वाले को उठाया, आगे वाले पे चढ़ा दिया, ये हमारे दूसरा फंदा घट गया। फिर 3, 4 और 5, तो हमने 5 फंदे घटा लिए। शेष फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और उधर से सीधा बुनते हुए हम वापस यहाँ पे आएंगे। तो मैं इतना कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर रॉन्ग साइड में आए हैं। तो पिछली लाइन में हमने 5 फंदे घटाए थे, इस लाइन में हम 3 फंदे घटाएंगे, 1, 2 और 3। अब शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और सामने की तरफ से सभी फंदों को सीधा। हम रॉन्ग साइड में हैं तो सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और सामने की तरफ से सभी फंदों को सीधा। तो हमने 5 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाया और अब हम 2 फंदे घटाएंगे। पहला उतारा, अगले फंदे को उल्टा बुना, पीछे वाले फंदे को उठाया और आगे वाले पे चढ़ा दिया, 1 और 2। तो हमने 2 फंदे घटा दिए। शेष फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे और सामने की तरफ से सभी फंदे सीधे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर रॉन्ग साइड में हैं और अब इस लाइन में हमें 1 फंदा घटाना है। तो ये हमने 1 फंदा घटा दिया, शेष फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। और इसके साथ ही हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। और देखिए इस समय शोल्डर पे कितने फंदे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। तो दोनों साइड में हमने 28 28 फंदे रखे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारा गले की कटिंग हुई है। बैक पार्ट में गले की कटिंग इस तरह हुई है। अब यहाँ से हमारे बॉर्डर के फंदे उठेंगे तो वो हमारे गले पे चढ़ेंगे नहीं और एक सुंदर सी सा गला बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारे बैक पार्ट में शोल्डर की कटिंग और नेक की कटिंग हुई है। आशा है आपको पसंद आया होगा। और यदि हमारा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर। Thanks for watching.